बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 3:15 बज रहे हैं, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। मुझे बदर एक्सपो के ऑनर जो है जुहैर साहब, इन्होंने बुलाया। कराची में जो शख्स रहता है वो एक्सपो सेंटर और बदर एक्सपो को जरूर जानता है। इन्होंने हमसे बोला कि आप लोग कराची में रोजगार के नाम पे मोटरसाइकिलें देते हैं, क्या वो नई होती हैं पुरानी? मैंने कहा पुरानी होती हैं, और हम लोगों को इसलिए देते हैं कि पुरानी मोटरसाइकिल से लें और रोजगार अपना चलाएं। तो उन्होंने बोला कि आ जाइए, हम आपको 50 नई मोटरसाइकिलें, चाहे वो लाख रुपए की हों चाहे वो जितने की भी हों, 50 नई मोटरसाइकिलें, करोड़ों रुपए के प्लॉट दे रहे हैं और आपके स्टॉल यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन हो रही है। जुहैर भाई, कौन सी एग्जीबिशन हो रही है, क्या हो रही है, पहले बता दें लोगों को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जफर का कि मैंने उनको बुलाया और ये यहाँ पे आए, और JDC का। इस वक्त रात के इस वक्त 3:15 बज रहे हैं और हम एक जो हमारा एक प्रॉपर्टी का शो हो रहा है बिल्ड होम एक्सपो, जो कि 24, 25, 26 दिसंबर को होगा, और इसकी हम बस इंशाल्लाह सुबह ओपनिंग है, तो हम इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास इस वक्त टोटल जितनी भी पार्टिसिपेशन है, फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद से इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन आई है कराची के अंदर। ये कोविड के बाद ये पहली एग्जीबिशन प्रॉपर्टी की यहाँ पे कराची में होने जा रही है, और इसकी सारी इस वक्त हमारी इंशाल्लाह तैयारी। आपने उसे बोला था कि हजारों नौकरियां निकलेंगी, नौजवान CV भी लेकर आए, वो क्या सिलसिला, वही बता दें। देखो, रियल एस्टेट एक इतनी एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जब रियल एस्टेट काम करता है तो उससे रिलेटेड कम से कम 100 इंडस्ट्रीज जो उसमें काम कर रही होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो सैनिटरी हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोहे के हो, सब मटेरियल मल्टीपल इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है, अपनी सीवियां लेकर आए, वो नौकरी के हवाले से हो जाएगा। जो लोग आपने मुझसे बोला जिनकी आमदनी कम है और वो हजारों रुपए सिर्फ महीने का चंद हजार दे सकते हैं, वो अपना घर ले सकते हैं, वो क्या सिलसिला है? देखिए, इसके अंदर जब हमने कुछ बिल्डर्स के साथ बात की, जिसमें RJ ग्रीन है, कि RJ ग्रीन से हमने रिक्वेस्ट की, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन का, जो जिसपे वो लोग काम करें, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि जब मैंने उनसे बात की कि आप लोग कुछ प्लॉट्स जो है वो ऑफर करें, और तो उन्होंने यहां पे लकी ड्रॉ के थ्रू वो इस वक्त यहां पे सारे करोड़ों रुपए के प्लॉट्स हैं वो कराची एक्सपो सेंटर में देंगे। ठीक है, नहीं उसके अलावा जो आपने कहा था जो रिहायश के लिए लेना चाहेंगे वो किस्तों का भी सिलसिला है? हाँ जी, इसमें जो दूसरी बात मैंने बताई कि जो फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि गुलबर्ग ग्रीन पे इंस्टॉलमेंट और डिस्काउंटेड प्राइसेस के साथ 24-25 किसी किस्म का कोई सूट नहीं, एक्चुअल पेमेंट होगी, उसकी किस्तें बन जाएंगी, दें जिंदगी में आराम आराम से अपना घर के मालिक। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने मुझसे बोला 400 मोबाइल फोन की कुरानदाजी होगी, करोड़ों रुपए मालियत का एक एक प्लॉट वो फ्री में दिया जाएगा, और आपने कहा 50 मोटरसाइकिलें होंगी। तरीकाकार ये होगा, ये कूपन आपको कल शाम 4 बजे के बाद यहाँ से मिलेगा, आप इस कूपन का ये हिस्सा फाड़ेंगे और JDC का हॉल नंबर 1 में स्टॉल है उस डब्बे में डाल देंगे, हम उस डब्बे के अंदर कुरानदाजी करेंगे तीसरे दिन, ऐसा ही है, दूसरे और तीसरे दिन होंगे। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया से बड़े बड़े बैंड आ रहे हैं, अफजल साबरी कव्वाल आ रहे हैं, नईम अब्बास रूफी आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं, और एक्सेंट ग्रुप आ रहे हैं जो कि रोमानिया से हमने उनको इनवाइट किया। उसका कितना कूपन था यहाँ पर एक बंदे का? उसका यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टिकट था वो 5,000 रूपये प्लान कर रहे थे, बट उसके बाद मैंने कहा कि कोविड के बाद ये इतनी बड़ी एक्टिविटी कराची में होने जा रही है, लोग इस वक्त एंटरटेनमेंट कोई नहीं थी, तो इंशाल्लाह ताला हम इसके लिए प्लान किया और हमने सारी चीजें जो है वो फ्री कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुहैर भाई। देखें, जो लोग नई मोटरसाइकिलें कारोबार के लिए, रोजगार के लिए हासिल करना चाह रहे हैं, ये कूपन का एक हिस्सा इसमें डाल देंगे, एक अपने पास रखेंगे, मैं अपने हाथों से निकालूंगा, खड़े होकर वहां पर वो 50 लोगों को ये मिल जाएंगे, प्लॉटों की कुरानदाजी होगी, जो बिल्डर है RJ ग्रीन वाले वो प्लॉट खुद अपने हाथों से निकालेंगे, वो एक प्लॉट दें, दो प्लॉट दें, 10 प्लॉट दें, उन्होंने कहा एक से ज्यादा प्लॉट होंगे, कितने प्लॉट होंगे उस दिन फैसला होगा। उसके अलावा 200 से ज्यादा मोबाइल फोन है वो, तो भाई जो लोग भी यहाँ आएंगे एक्सपो सेंटर वो ये कूपन JDC का स्टॉल है हॉल नंबर 1 में वहां डालेंगे, ये अपने पास रखेंगे, कुरानदाजी से मुताल्लिक JDC के पेज पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यहाँ मौजूद होना शर्त है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। या हम एक दिन का टाइम देंगे, अगर ना भी हो तो एक दिन बाद भी आ जाए, उनके हवाले कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे देंगे। चले भाई, अगर आप नहीं भी होंगे, आपने डाल दिया तो आपका गिफ्ट जो होगा वो चूंकि लाइव चल रहा होगा, नंबर आपने आगे दिखाना, अपना गिफ्ट हमसे ले लेना है। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत शुक्रिया सर आपका, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, लोगों का फायदा होना चाहिए किसी भी तरीके से। हजारों एग्जीबिशन लगती हैं, अगर हर एग्जीबिशन में 100-200 मोटरसाइकिलें और लोगों का ख्याल किया जाए तो मैं समझता हूँ वो एक बड़ा अहम किरदार होगा कराची को सपोर्ट करने में। थैंक यू सर, थैंक यू।